गुलबर्गा एयरपोर्ट में बम होने की खबर मिलते ही एयरपोर्ट में बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड टीम के जरिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। आज 24 जून की सुबह 7 बजे गुलबर्गा डोमेस्टिक एयरपोर्ट डायरेक्टर को एक ईमेल के जरिए धमकाया गया था कि एयरपोर्ट के वॉशरूम में कुल 5 बम रखे गए हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने ईमेल के जरिए मिली धमकी को सुन गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर, बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर इमीडिएट सर्चिंग शुरू की गई थी और बेंगलुरु से गुलबर्गा आई फ्लाइट में मौजूद सभी पैसेंजर्स को उनके सामान के साथ स्क्रीनिंग कर सभी पैसेंजर्स और एयरपोर्ट स्टाफ को सेफ जगह शिफ्ट किया गया था। लगातार कई घंटों की सर्चिंग के बाद बताया गया कि ईमेल के जरिए मिली धमकी झूठी थी। एयरपोर्ट के किसी भी कोने में कोई बम नहीं मिला है। किसी अननोन मेल के जरिए एयरपोर्ट में बम की खबर सुन अफरा तफरी का माहौल देखा गया है, पर पुलिस ऑफिसर्स, बम स्क्वाड टीम और दीगर ऑफिसर्स ने बड़ी ही संजीदगी के साथ तमाम पैसेंजर्स और एयरपोर्ट स्टाफ को पूरी सुरक्षा के साथ बाहर निकाला और अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इस तरह का झूठा मेल सिर्फ गुलबर्गा एयरपोर्ट को नहीं मिला है, बल्कि आज ही के दिन हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी सेम इसी तरह मेल के जरिए बम रखने की धमकी दी गई थी। बेगमपेट एयरपोर्ट में भी बम स्क्वाड टीम ने सर्चिंग शुरू कर एयरपोर्ट के हर कोने को अच्छे से तलाश किया, पर वहां भी कोई बम नहीं देखा गया है। गुलबर्गा और बेगमपेट एयरपोर्ट पर किसने झूठा मेल कर धमकाया है, इस बात की इत्तला अब तक नहीं मिली और स्टेट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ने मेल भेजने वाले के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। This video presented by Fine Art Designer, exclusive for suits, sherwanis, a complete solution for men's kids for reception, marriage, engagement, ethnic wears, parties, farewell and much more. First branch at Timapuri Chowk, Gulbarga. Second branch at Supermarket Gulbarga. The airport director received the email. In that email, there's a message that there's a bomb in the airport bathrooms. In this regard, immediately our bomb DDDS team and AC team visited the airport and properly set the airport. As of now, we didn't find anything suspicious, but the search is still going on. In the meantime, the airport authority and BDDS team have cleared that moment for the flight, and one Bangalore flight which was supposed to take off has taken off from Kalburgi Airport to Bangalore. So right now, it is a off-stand. As of now, what we have said the airport, we didn't find any suspicious material, but the search is like... regularly we'll conduct the BDDS team search. BDDS team will conduct the search. Once we can't declare as of now, so we will be more cautious, and police and other agencies will coordinate and ensure that proper safety is provided in Kalburgi Airport.